नमस्कार, मैं महा गुरु गौरव। आज बात करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी क्या होती है और किस पर्पस से मनाई जाती है। इस साल 2020 में ये कब है? कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी या वैकुंठ चौदस कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा और आराधना की जाती है। इस वर्ष जो वैकुंठ चतुर्दशी है वो 28 नवंबर 2020 को है। इस दिन भगवान शिव षष्ठी का कार्यभार भगवान विष्णु को सौंपने के लिए उनसे भेंट करते हैं, इसलिए इस दिन को हरि मिलन दिवस के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष में केवल एकमात्र यही दिन होता है जिस दिन शिव को तुलसी और विष्णु को बिल्वपत्र अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ के दरवाजे सभी प्राणियों के लिए खुले रहते हैं, इसलिए इसे वैकुंठ चौदस भी कहा जाता है। माना जाता है यदि किसी प्राणी की इस दिन मृत्यु होती है तो वह सीधे वैकुंठ में प्रवेश करता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को पीताम्बर मुकुट आदि पहनाकर उनका सुंदर श्रृंगार किया जाता है। धूप दीप चंदन और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्त का पाठ करने से सभी प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। बेल धतूरे आके के फूलों से श्रृंगार करके मिठाई का नैवेद्य लगाया जाता है। वैकुंठ चौदस की जो महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु से मुक्ति मार्ग पूछने के लिए नारद जी उनके समीप पहुंचते हैं। नारद जी के पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो प्राणी श्रद्धा भाव से मेरी और शिव की पूजा करेंगे उनके लिए वैकुंठ के द्वार खुल जाएंगे। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर आप व्रत का पालन करें। 108 कमल पुष्पों से भगवान श्री हरि का पूजन कर शिव की पूजा अर्चना करें। चतुर्दशी के दिन सायंकाल में किसी स्वच्छ नदी या तालाब में 14 दीपक जलाकर जल में प्रवाहित करें। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु काशी में भगवान शिव की आराधना के लिए 1,000 स्वर्ण कमल चढ़ाने का संकल्प लेते हैं। जब अनुष्ठान का समय आता है तो शिव परीक्षा लेने के लिए उस एक स्वर्ण पुष्प को कम कर देते हैं। एक पुष्प कम होने पर भगवान विष्णु उन्हें एक अपनी आंख निकालकर शिव जी को अर्पित करते हैं। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें कमल नयन और पुंडरीकाक्षम का नाम भी देते हैं और भगवान विष्णु को कोटि सूर्यों की क्रांति के समान सुदर्शन चक्र प्राप्त और प्रदान करते हैं। इस दिन माना जाता है कि हरि हर मिलन होता है। 4 माह देव शनि एकादशी से लेकर देव प्रबोधिनी एकादशी तक भगवान विष्णु धरती का कार्यभार भगवान शिव को सौंपकर निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान भगवान शिव ही धरती और धरतीवासियों को संभालते हैं। इसके बाद प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव भगवान विष्णु को मिलकर उनको उनका कार्यभार वापस से सौंप देते हैं। यहाँ पर एक दूसरे की प्रिय वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। वर्ष का केवल एकमात्र यही दिन होता है जब महाकाल को चढ़ने वाले आंकड़े के फूल और भगवान विष्णु की गोपाल माला एक दूसरे को अर्पित की जाती है और वहां पर ही महाकाल को भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी भी अर्पित की जाती है। इस साल वैकुंठ चतुर्दशी का जो निश्चित काल मध्य रात्रि 11:49 से 12:41 तक का है। टोटल अवधि जो है 53 मिनट की है। चतुर्दशी जो प्रारंभ हो रही है वो तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 28 नवंबर को प्रातः 10:21 से है और चतुर्दशी जो तिथि पूर्ण हो रही है वो 29 नवंबर दोपहर 12:47 तक है। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए दिन शुभ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। मैं महागुरु गौरव।